हेलो एवरीवन, रात के 2 बज रहे हैं और मेरे पेन्स स्टार्ट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा ही। इवनिंग में हल्का हल्का पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। एक बार डॉक्टर को चेक करवा के आई थी तो उन्होंने बोला सुबह आप चले जाना। पास में ही एक डॉक्टर है, उनके पास चली गई थी मैं, तो वो बोले जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आप अर्ली मॉर्निंग उनके पास चले जाना। सो मे बी मुझे सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग ही मुझे जाना पड़े। अभी रात में इसलिए नहीं जा रही हूँ कि देवा सो गया है, और देखते हैं आप सुबह तक वेट कर पाते हैं या फिर रात में ही हमें भागना पड़े। अभी कोशिश कर रही हूँ कि सुबह तक कैसे भी करके ये पूरी रात निकल जाए और मैं सुबह ही डॉक्टर के पास जाऊँ। लेट्स सी क्या होता है अब। गाइस देखो, मुझे पेन्स हो रहे हैं और ये हमारे गेस्ट को छोड़ने जा रहे हैं। देखो ना कैसी सिचुएशन है। या हमें गेस्ट को छोड़ के आना भी जरूरी है ना, या हमें दर्द हो रहे हैं और हमारे यहाँ। पहले गेस्ट को छोड़ के आता हूँ, फिर मैं आपको छोड़ने चलूंगा। यू नो ना, अतिथि देवो भव। भाई हमारे घर गेस्ट भी आज ही आने थे और ये गेस्ट को ड्रॉप करने जा रहे हैं रात के। डम डम करने जा रहा हूँ उनको, ताकि हमारा बेबी अच्छे से हो। जय माता दी, लेट्स रॉक। रात के 2 बज रहे हैं, उनकी 3 बजे की ट्रेन है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऐसा ही हुआ था, मुझे फुल नाइट पेन हुए थे बट मैं मॉर्निंग में ही डॉक्टर के पास गई थी। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है कि नाइट में पेन्स स्टार्ट हुए हैं। सो कोशिश करूँगी कि मैं सुबह ही जाऊँ, बट अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे अभी ही जाना पड़ेगा रात में। लेट्स सी कि क्या होता है। और मदर इन लॉ ने अभी दूध दिया है, बोला कि भाई थोड़ा दूध पी लो, ऐसे नहीं कि अभी ही जाना पड़े। और खाना भी तुमने बहुत पहले खाया है, सो बोल रही हैं कि भाई दूध पी लो एटलीस्ट। अगर अभी आधे घंटे में चलना पड़ेगा तो अपन चलेंगे। और सबसे इमोशनल सिचुएशन मेरी यही है कि मेरा बेटा अभी सो रहा है और अगर मुझे अभी जाना पड़ा तो उसे छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सुबह तक कैसे भी करके टाइम निकाल लिया जाए। फिर भी देखते हैं क्या होता है। अभी सो रहा है, मेरा छोड़ के जाने का इसको मन नहीं कर रहा। गाइस सुबह के 5 बज गए हैं और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। और अभी बस मैं वेट कर रही थी जल्दी से सुबह हो। अब मैं सबको जगाने जा रही हूँ, सबको उठाने जा रही हूँ। नाउ इट्स टाइम टू गो। फटाफट बस चेंज करूँगी एंड नाउ आई एम गोइंग। सो देखते हैं अभी डॉक्टर्स क्या बोलते हैं। अब वो सामान के साथ लग रहा होगा कि होटल होटल जा रहे हैं, लेकिन हम होटल में नहीं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये का सामान लेके जाता हूँ पूरा। नाउ वी आर गोइंग टू द हॉस्पिटल। हमारे को कहा गया इधर वेटिंग एरिया में बैठने के लिए। गाइस मैंने 5 बजे बोला था कि चलो चलो, मेरे को दर्द हो रहा है, और ये देखो इन्होंने 8 बजा दिए हैं। ये लोग चलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्योंकि 8 बजे मुहूर्त नहीं था ना, मुहूर्त ही अभी पता पड़ा हमारे को 9 से 1.30 के बीच में और 3 से 5 के बीच में है। इसकी माने का फोन आया था हमारे को, तो माने का जब तक आदेश नहीं आया तब तक हम कैसे जाएंगे। गोइंग टू द लेबर रूम नाउ। यहाँ मुझे व्हील चेयर पर बिठा के ओटी में ले जाया गया और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन्स भी हो रहे थे। 9:01 पर उन्होंने बेबी डिलीवर किया और बच्चे के कपड़े मांगे, बट स्टिल मैं ओटी में थी। मैं ओटी से काफ़ी देर के बाद आई थी। मम्मी पूछ रही हैं कि क्या हुआ ये तो बता के जाओ। ये बोले कि डायरेक्ट देखना, हम आपके हाथों में ला के देते हैं। इस बार मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था ऑपरेशन थिएटर में और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आए, तो इसलिए काफ़ी टाइम लग गया मुझे आने में।
फाइनली मुझे रूम में शिफ्ट किया गया। मम्मा के साथ बैठी है बेटा वेली, मम्मा को देखो मम्मा को। देन मेरा बेटा देवराज आया और वो बहुत खुश हुआ अपनी सिस्टर को देख के। इसने भी 9 महीने पूरा वेट किया है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं पूरा दिखाऊंगी कि इसके क्या रिएक्शंस थे।